सूचना सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ एप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ डी परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं ये कूपन कोड है तो उसमें ट्वेंटी परसेंट फीस तुरंत माफ हो जाएगी मतलब ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ ज्ञान सर जी वाई ए एन एस आई आर इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है तो ट्वेंटी का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तों हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम लोग हिस्ट्री के अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ पहुंच गए हिस्ट्री को आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हिस्ट्री हर एक एग्जाम में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है और अगेन मैं आपको जो एक चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा एक एनशियट जो हिस्ट्री होती है और आपकी मडिवल जो हिस्ट्री होती है ठीक है इसके लिए बस आपको पी करने हैं प्लस पाँच सौ एम जो करा दिए जाएंगे वो प्लस एनशेंट हिस्ट्री मडिवल हिस्ट्री के अलग से सेक्शन वाइज टेस्ट दो 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 तीन सौ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज में पेड क्विज में जो सवाल आएंगे बस वही करने क्योंकि बार बार एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री को आप जितना रटोगे आप भूल जाओगे बहुत सारे फैक्ट होते हैं है ना उसकी जगह मॉडर्न हिस्ट्री को टाइम दीजिए आर ओ आर ओ कर रहे हैं तो रीजनिंग पे फोकस करिए उसकी जगह रीजनिंग अच्छा वेटेज दे सकती है यूपी जी के मिसलिनियस बजट करंट अफेयर्स कम पढ़ के अच्छा कट ऑफ निकालना है तो सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी उस हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे आठ सौ का आर ओ का ऐप में हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में कंप्लीट जी हिंदी करंट अफेयर्स का मिल जाएगा कोर्स सोलह सौ रुपये का आपको पूरा पीसीएस का प्रीलिम्स का कोर्स मिल जाएगा जीएस और सी सैट दोनों ही का ठीक है चलिए तो आज का लेक्चर अपना है दो सौ इक्यावन से कह रही ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है ये आपको बताना होगा ठीक है जैसे सबसे पहले इंडियन लीग की बात कर रहे हैं और मद्रास महाजन सभा है जमींदारी एसोसिएशन है और बंग भाषा प्रकाशन सभा है तो इंडियन लीग कब बनी थी दोस्तों अट्ठारह सौ पचहत्तर में बनी थी ध्यान शिशिर कुमार घोष के द्वारा मद्रास महाजन सभा की बात करें अगर तो इसकी स्थापना अठारह में हुई थी मद्रास महाजन सभा की और ज़मींदारी एसोसिएशन ये बना था अट्ठारह में और बंग भाषा प्रकाशक सभा ये बनी थी अट्ठारह में ठीक है तो ये होगा इसका सही आंसर यानी सी हो जाएगा इसका ठीक है चलिए दो नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच धर्म सभा राधाकांत देव राधा स्वामी मूवमेंट शिवदयाल दयाल साहेब सेवा सदन ब्रह्मा जी मालावारी ठीक है इनमें से कौन सा सही सुमेलित तो होगा यह बताना होगा तो धर्म सभा राधाकांत देव राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल साहब सेवा सदन बहराम जी मालावारी ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे कोई भी इसमें गलत नहीं तीनों सही हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं टू क्या कह रहा है आर समाज स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी शारदानंद तंजिम एंड तबलिग मूवमेंट वर स्टार्टेड इन अगेंस्ट द शुद्धि मूवमेंट हिंदी में देखते हैं आर समाज ने शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व तो में चलाया और शुद्धि आंदोलन के विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए गए ठीक है कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है इसमें से तो दोस्तों इसमें देखिए दोनों ही सही है आर समाज में जो शुद्धि मूवमेंट चलाया गया ये स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया और शुद्धि मूवमेंट के अगेंस्ट तंजीम और तबलीग मूवमेंट चला दिया गया था ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें चलिए टू देख लेते हैं क्या कह रहा है कांग्रेस के उन्नीस के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है विथ रेफरेंस टू कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन नाइनटीन ट्वेंटी एट विच इज़ करेक्ट कैलका सैशन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी एट ऑफ कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाई जवाहरलाल नेहरू इन दिस गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस वॉज अपोज बाय सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू मतलब कांग्रेस के उन्नीस सौ अट्ठाइस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी ठीक है ठीक दूसरा इसमें डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य का विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था इनमें से कौन सा सही है तो दोस्तों पहला तो देखिए गलत दूसरा सही होगा इसमें से है ना यानी कांग्रेस का 1928 का सेशन मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने निकाला था तो मतलब वो अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू जी ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं वट प्रोविजन वर इंक्लूडेड इन द अगस्त ऑफर अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान शामिल थे ये आपको बताना है फुल फ्रीडम फॉर इंडिया द फॉर्मेशन ऑफ वॉर एडवाइजरी कमेटी विल ऑल्सो इंक्लूड द इंडियन मेम्बर्स फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड भारत के लिए पूर्ण स्वराज युद्ध सलाहकार समिति का गठन जिसमें भारतीय भी शामिल किए जाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन ठीक है कौन सा सही होगा इसमें से देखिए फुल फ्रीडम फॉर इंडिया की तो बात ही नहीं हुई है ना अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बनने की बात हुई थी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया जाएगा और एडवाइजरी कमेटी बनेगी ये दोनों सही हो जाएंगे दो और तीन ठीक है पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे चलिए दो देखना है अब हम लोगों को कह रहा काकोरी ट्रेन षड़यंत्र की कौन सी वर्ष घाट में काकोरी ट्रेन षणयंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है है ना काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कब रखा गया छियानवे सत्तानवे पंचानवे निन्यानवे तो सबसे पहले आपको काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी हुई कब थी नौ अगस्त उन्नीस को तो इसको कंस्पायरेसी का नाम भैया अंग्रेजों ने दिया था तो ये कंस्पायरेसी थोड़ी थी यार हमारा ही अधिकार था अब अपने मतलब देश को आज़ादी कराने के लिए लड़ाई समझ सकते हो आप इसको है ना तो इसका नाम सत्तानवे वर्षगांठ में बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन और सरकार ने करा कब तक तो वही अगस्त में ही दो में इसका नाम बदल दिया था ठीक है तो सत्तानवे वर्षगांठ आपको याद रखनी होगी चलिए अगला देखते हैं कह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था इनमें से हु आज दी फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जी आर आई अंगर एम एन रॉय आनंद पांडे स्वामी सैजानंद ठीक है तो दोस्तों आपको पता होगा एम एन रॉय ये कम्युनिस्ट लीडर बने थे और उन्नीस में इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड भी रखी थी ठीक है तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा दो देखते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ वेन वॉज ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म 1912, 1919, 27 या उन्तीस कब बनी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ये आपको बताना है इसमें तो ये बनी थी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में कब बनी 1927 में या 1927 में बनी थी अगला देखते हैं 259 क्या कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पिकऑफ थ्रोन मोहम्मद शाह शाह आलम बहादुर शाह अकबर मयूर सिंहासन बैठने वाला कौन था अंतिम मुगल सम्राट तो अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह कौन था मोहम्मद शाह अंतिम मुगल सम्राट था जो मुगल सिंहासन पर बैठा था 260 देखते हैं क्या कह रहा है किस ग्रंथ से पता चलता है कि प्रवर सेन प्रथम ने चार अश्वमेघ यज्ञ किए थे विच टेक्स्ट शो दैट प्रवर सेन वन परफॉर्म्ड फोर अश्मेदास यज्ञ ऋग्वेद पुराणास या खार पठान अभिलेख या प्रबंध चिंतामढ़ी थी कहाँ से पता चलता है कि जो प्रवर चिन्ह थे उन्होंने चार अश्मेज्ञ करे तो, तो ये हमें पुराणों से जानकारी मिलती जो है जो पुराणास उस है उससे जानकारी मिलती है आपके लिए एक सवाल है कि हमारे जो भारत में कितने पुराण आज है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो ठीक चलिए दो निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद का मुख का दर्जा दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदंगास है स्टेटस ऑफ माउथ ऑफ दी वेदास छंद शिक्षा व्याकरण या ज्योतिष दोस्तों देखिए छंद जो होता है जिसको वर्ड्स बोलते हैं उसको सिंबल जो है मुख उसको प्रदर्शित करते हैं किससे लेग्स से मतलब पैरों से नाक से करते हैं शिक्षा को फेस यानी मुख से करते हैं व्याकरण को किसको करते हैं व्याकरण को आंखों से ज्योतिष को करा जाता है ये तो चार वेदंगाज हुए और एक वेदंगा है आपका कल्प इसको किससे करते हैं हैंड से यानी हाथों से करते हैं डिनोट और आपका दूसरा है ज्योतिष कौन सा ज्योतिष ज्योतिष इसको आँखों से करते हैं किससे करते हैं आँखों से नहीं ज्योतिष तो मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है एस्ट्रोलॉजी एक और होता है निरुक्ता हाँ निरुक्ता होता है निरुक्ता क्या होता है निरुक्ता ये छः वेदंगाज हैं इसको कान से करते हैं ईयर्स से ठीक है छः वेदंगाज याद रखिएगा आप तो दो का आंसर क्या हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा यानी सी हो जाएगा ठीक है चलिए है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े अष्ट महाअान से नहीं है विथ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एट महास्थान एसोसिएटेड विथ महात्मा बुद्धा गया साँची राजगिरी या वैशाली तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा साँची है ना? क्योंकि ये जो महात्मा बुद्धा उनसे अष्ट महास्थान में नहीं आते क्योंकि यहाँ तो बाद में इनके रिलेक्स रखे गए हैं ठीक है ठीके? तो इसमें नहीं आएगा और इनके आठ जो महास्थान हैं वो हैं कौन कौन से वो भी देख लो आप एक तो जैसे वैशाली है राजगिरी गया तो हो ही गया लुम्बनी है है ना लुम्बिनी महास्थान है और बोधगया हो ही गया है सारनाथ है श्रावस्ती है और आपका संकस््शा है है ना संकश्चा ये आठ महास्थान स्थान इनके ठीक है अच्छा चार तीन सात ही हुए हाँ कुशीनगर एक है भैया ये आठ महास्थान है जहाँ जहाँ बुद्ध गए थे ना कुशीनगर ये आठ महास्थान है सांची इसमें से नहीं होगा ठीक दो सौ तिरसठ कह रहा हूँ अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने इश्तिहा दीवाने इश्हाक नामक विभाग की स्थापना इनमें से किसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी दीवाने इस्तिहाक कौन सा दीवान इस्तिहाक तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी पहली चीज ये और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दीवान इश्हाग था क्या ये पेंशन विभाग था एक तरह से क्या था पेंशन विभाग था दीहान इश्तिक ठीक है और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी दो नंबर देखते हैं क्या कह रहा है नौजवान सभा उन्नीस में भगत सिंह ने कहाँ स्थापित की थी वेयर डिक भगत सिंह इस्टेब्लिश द नौजवान सभा इन 1926? लाहौर दिल्ली मुंबई या कानपुर तो कहाँ पे इन्होंने स्थापना करी थी इसकी ये करी थी लाहौर में कहाँ पे? लाहौर में इसकी स्थापना करी थी चलिए दो सौ पैंसठ अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था वेन डिड रिवॉलोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन स्टार्ट वन में एट्टीन फिफ्टी सेवन टेन में एट्टीन फिफ्टी सेवन बीस में फिफ्टी सेवन या तीस में 1857। फिफ्टी सेवन तो कब हुई थी अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति का शुभारंभ तो इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों दस मई अट्ठारह सौ सत्तावन से कब हुआ था 10 मई अठारह को यह शुरुआत हुई थी इसकी टू सिक्सटी हैं देते उन्नीस में बनी कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर क्या थी भैया कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी जो राजकुमारी अमृत कौर ये हेल्थ मिनिस्टर बनी थी दोस्तों भारत की ठीक है क्या बनी थी भारत की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर जो थी इनको ये पद मिला था इसमें अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसीडर्ड मोस्ट सैक्रेट रिवर इन ऋग्वेदा इंदर सरस्वती गंगा या सतलज तो इसका सही आंसर क्या है सरस्वती नदी है इंदस को सतलज कहते थे उस और इन इं, मतलब इंदस को सतलज कह रहा हूँ सिंधु कहते थे सतलज को सतुधरी कहते थे ना आपको पुरानी नदियों के नाम भी याद रखने रावी क्या होती थी पुरूषनी तो ये सब चीज़ें भी याद रखना व्यास बिपासा है ना ये याद रखिएगा पूछ सकता है ये भी आपसे तो इसका सही आंसर तो सरस्वती हो जाएगा दो सौ अड़सठ देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान के संबंध किस शासक से है फ्राम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच रूरल इज रिले रूरल इज़ रिलेटेड टू द फेमस कलसी प्लेस अशोक ब्रहदत्त चंद्रगोप कुमार या नॉर्थ ईस्ट तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अशोक हो जाएगा क्या हो जाएगा अशोक हो जाएगा ठीक है दो सौ उनहत्तर नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक शाह नामा अलबरूनी बरनी उतवी या फिरदौसी ठीक है तो इसके लेखक कौन है फेमस इसके फेमस लेखक हैं भैया शाहनामा के फिरदौसी शाहनामा किसने लिखी है फिरदोशी ने लिखी है फिरदोशी ने और ये फिरदौशी आपको अगर पता हो ये जो महमूद गजनी था उसके दरबार का कवि था ठीक है ये भी याद रखिएगा अगला दीवान अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था दीवान तो अर्ज डिपार्टमेंट फिरोज तुगलक बलबन अलाउद्दीन खिलजी या नन ऑफ दीस तो देखिए दीवान अर्ज पहली चीज़ ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था मिलिट्री डिपार्टमेंट सैन्य विभाग था ये जिसको गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था ना बलबन ने इसको बनाया था जो कि भाई ममलूक डायनेस्टी यानी स्लेव uh, डायनेस्टी थे ठीक है अगला है कथा सरित सागर की रचयिता कौन है हु इज द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर क्षमेंद्र सोमदेव कामंदक या शूद्र कथा सरित सागर के लेखक कौन है सोमदेव जी है कौन है सोमदेव ठीक है कौन सा हड़प्पा स्थल घग्घर नदी के किनारे स्थित है विच हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्घर कालीबंगन चान धौलावीरा इनमें से घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल है तो काली बंगा था कौन था काली बंगा था ठीक है ये याद रखिएगा आप बरदौली सत्याग्रह का नेता तो किसने किया था हु हुट बरदौली सत्याग्रह तो बरदौली सत्याग्रह पहली चीज हुआ था उन्नीस में इसको वल्लभ भाई पटेल ने, ने नेतृत्व तो करता इसी के नेतृत्व तो में ही यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी ठीक है विठ्ठल भाई पटेल को टिक्यू कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है दो देखते हैं कह रहा है अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन कंटेक्सट ऑफ अहमदिया मूवमेंट तो इसकी शुरुआत जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी नंबर एक इसने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद का समर्थन किया था इसके नेता अपने को हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे ठीक है इट वॉज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद इट सपोर्टेड जिहाद अगेंस्ट नॉन मुस्लिम इट लीडर कंसिडर्डम सेल्थ द इनकर्नेशन ऑफ हजरत मोहम्मद तो दोस्तों इसमें देखिए जो जिहाद वाला टर्म है ये गलत है क्योंकि अहमदिया मोहन बहुत अच्छा था इसने क्या करता था लव फॉर ऑल मतलब सबसे प्यार करो किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए हेटर फॉर नन है ना मतलब सभी को एक समान देखो सबसे प्यार करो कोई भी वॉलेंस वगैरह नहीं मतलब नॉन मुस्लिम के लिए जिहाद वाला कॉन्सेप्ट नहीं था इनमें पहला और तीसरा सही इसको स्टार्ट करा था मिर्जा गुलाम अहमद ने और लीडर जो थे इसके खुद को हज़रत मोहम्मद का इंकर्नेशन अवतार मानते थे ठीक है तो यानी पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा अगला देख लेते हैं रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ इच रूलर रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय या कृष्ण देव राय तो रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के कोट पोर्ट थे ठीक है दोस्तों छिहत्तर थेरावाद इज रिलेटेड टू थेरावाद किससे संबंधित है बौद्ध धर्म जैन धर्म पारसी या वैष्णव तो पढ़ा होगा दोस्तों थेरावादा जो थे बुद्धिज्म में ही एक लेटर मतलब बात के बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है थेरावादा ठीक है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम किस भाषा में लिखी है इन विच लैंग्वेज आर्यभट्ट रोट आर हिंदी संस्कृत पाली या प्राकृत किस भाषा में इसको लिखा है आर आरभट ने आर आर्भट ने आर आर्भट्टीयम जो है हिंदी भाषा में लिखा है किस में लिखा है आर आरभ्टियम हिंदी भाषा में लिखा है नहीं सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा हिंदी क्यों आर भट्टीम तो संस्कृत में है संस्कृत में लिखा है दोस्तों माफ़ कीजिएगा आर आरभ्टीयम किस भाषा में लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया ठीक है चलिए अगला देखते हैं दो सौ अठहत्तर दीवान वकूफ़ की स्थापना किसने की है हु फाउंडेड दीवान वकूफ अलाउद्दीन खिलजी बलबन जलालुद्दीन खिलजी रज़िया सुल्तान देखिए दीवान वकूफ अगर इसको एक शब्द में जाने तो ये एक तरह से विभाग था जो काम व्यय से जुड़े कागजातों की देखभाल करता था ना क्या था जितना भी खर्च हुआ है उसके जुड़े जो भी कागजात होंगे खर्च से रिलेटेड एक तरह से है ना उसको मैनेज करता था जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी अगला एवं ब्रह्म समाज स्टैब्लिश ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी ये बताना है इसमें आपको अट्ठारह सौ चालीस या अट्ठाइस तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी अट्ठारह में हुई थी अगला एवेन वॉज द ताई खमती रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश अंग्रेजों के विरुद्ध ताय खमती विद्रोह हुआ कब था अट्ठारह में सत्रह में दस में या उनतालीस में ताइख हमती विरुद्ध कब हुआ था तो यह हुआ था आपका अट्ठारह में कब हुआ था अट्ठारह में ठीक है दो देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सेड हूं दिल्ली दूसरथ निम्नलिखित में से किसने कहा था हूनज दिल्ली दूसरथ मतलब दिल्ली दूर नहीं है वाही जी है ना हनूज दिल्ली दशरथ नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली फरीद निजामुद्दीन औलिया या उपयुक्त में से कोई नहीं ठीक है तो ये कथन था निजामुद्दीन ओलिया ने जो स्टेटमेंट कही थी निजामुद्दीन ओलिया ने ठीक है दो सौ बयासी देखते हैं भक्त तुकार किसके समकालीन थे भक्त तुकाराम वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर हुमायूं जहांगीर या औरंगजेब तो किसके समकालीन संका... थे ये भक्त तुकाराम जी जहांगीर के किसके जहांगीर के ठीक है दो सौ तिरासी देखते हैं वट इज़ द नेम ऑफ द बुक वे आर द रूल्स मेड बाय बुद्धिस्ट संघ वर लेट डाउन संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं जातक जाताकाश अविधाम पिता का विनय पिता का या ब्रह्म सूत्र है ना कि बुद्धिस्ट में जो संघ रहते हैं उन वो कौन कौन से नियमों का उनको पालन करना चाहिए यह विनय पिता का में दिया गया है नाम ही है ना विनय विनती एक तरह से तो ये उसमें बताया गया है और वही अभिधम्य पिता का जो होता है उसमें बुद्ध की शिक्षाओं को बताया गया है ठीक है जातकाश तो बुद्ध की जो पुरानी कथाएँ हैं पुनारे जन्म की वो बताई गई हैं और ब्रह्मसूत्र एक जो ब्रह्म सूत्र होता है मतलब एक तरह से रिलीजियस जो वैदिक पीरियड्स के थे वो सब बताता था दो सौ चौरासी कह रहा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है हु हैज़ कम्पोज प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ती भट्ट तुलसीदास हरिसेन या हर्षवर्धन किसने करी है प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना हरिसेन ने करी है किसने हरिसेन ने करी है याद रखना इसको दो सौ पिचासी यह राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था स्टेट वॉज फेमस एज कलिंग इन एंशियंट टाइम्स तमिलनाडु ओडिशा झारखंड वेस्ट बंगाल तो बहुत ही आसान पूछ रहे तो उड़ीसा होगा इसका मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था हु इन्वेंटेड मोहन वीणा पंडित रविशंकर चतुर मलिक अलाउद्दीन या विश्व मोहन भट्ट मोहनवीणा का आविष्कार आखिर किसने करा था तो इसका आविष्कार करने वाले थे विश्व मोहन भट्ट कौन थे विश्व मोहन भट्ट दो हजार सत्तासी के रू स्टार्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था अकबर हुमायूं जहांगीर या शाहजहां किसने करा था मुगल शैली का प्रारंभ तो ये कह रहा था हुमायूं ने किसने हुमायूं ने करा था मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ अगला है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है मधुबनी स्टाइल ऑफ़ फोक पेंटिंग इज प्रेंट इन विच स्टेट एम यूपी बिहार या राजस्थान बहुत ही फेमस है मधुबनी पेंटिंग बिहार की काफ़ी आसान है अगला है शियादवाद किस धर्म का मूल आधार है शियादवाद इज अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ विच रिलीजन बुद्धिस्ट जैन शैविज्म या वैष्णव शियादवाद किसका है भैया श्यादवाद तो जैनिज्म से रिलेटेड है अशियाधवाद किससे जैनिज्म से अगला है किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी अंडर हुज रूल्ड गुरु नानक देव स्टैब्लिश सिखिज्म फिरोश अत उगला सिकंदर लोधी हुमायूं या अकबर किसके शासन काल में करी थी गुरु नानक देव ने सिखिज्म की स्थापना तो ये करी थी इन्होंने सिकंदर लोधी के शासन काल में किसके सिकंदर लोधी के शासन काल में अगला निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभा नेमी नाथ या संभवनाथ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जैन तीर्थंकर -e कौन नहीं है ठीक है नेमी नाथ संभवनाथ ये सब थे नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे ना चौबीस जैन तीर्थंकर हुए हैं ठीक है मुनि नहीं थे दो सौ बानवे कह रहा है कालचक्र किस धर्म से संबंधित है ये बताना है कालचक्र फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन बुद्धिज्म जैन शिव या है तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है आप थोड़ा सा सोचते हैं तो बता सकते हो आंसर कालचक्र बुद्धिस्ट से संबंधित है कालचक्र फेस्टिवल और कालचक्र फेस्टिवल बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं जो टीचिंग थी कालचक्र ट्रेडिशन की जो तिब्बत बुद्धिज्म में चलती है उसको सेलिब्रेट करते हैं दो सौ तिरानवे कह रहे हैं कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था इन विच ईयर द पब्लिकेशन ऑफ ब्राह्मण मैगजीन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम कानपुर एटीन फिफ्टी थ्री सिक्सटी फोर सेवेंटी फाइव एट्टी थ्री कब करा गया था इसकी स्थापना मतलब इसको प्रकाशन कानपुर में ब्राह्मण पत्रिका का अट्ठारह में कब करा गया था अट्ठारह में ठीक है अगला है लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावारकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था वाट वॉज द नेम ऑफ सोसाइटी वीर सावारकर फाउंड ड्यूरिंग इथ स्टे एट इंडिया हाउस इन लंडन फ्री इंडिया सोसाइटी क्विट इंडिया सोसाइटी जय हिंद सोसाइटी और वंदे भारत सोसाइटी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्री इंडिया सोसाइटी क्या होगा फ्री इंडिया सोसाइटी वीर सावारकर ने क्या बनाया था लंडन में फ्री इंडिया सोसाइटी दो सौ पंचानवे कह रहा मुगल काल में किसे बाबुल मक्का कहा जाता था विच वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड कालीकट भैरूच सूरत किसको कहते थे भैया बाबुल मक्का तो बाबुल मक्का बोला जाता था सूरत को किसको बोला जाता था चारत? सूरत को बोला जाता था दो सौ छियानवे अलाउद्दीन की राजा सुनीति के बारे में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है विच इज़ नॉट करेक्ट लागन कुल उत्पादन का आधा कर दिया गया ग्रह कर तथा चारा ग्रह कर नामक दो कर लगाए गए लगान भूमि की पैमाइश के आधार पर लिया गया और कृषि सुधार हेतु कृषकों को राज्य द्वारा ऋण दिया गया तो कौन सा इसमें से सही होना चाहिए मतलब कौन सा सही नहीं है देखिए जो अलाउद्दीन की रेवेन्यू पॉलिसी थी रेंट को रिड्यूस करा गया आधा टोटल प्रोडक्शन का टू टैक्सेज नेमली हाउस टैक्स एंड कॉस्च्योर टैक्स लिवाइड ये भी ठीक है रेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड नापेंगे और उस हिसाब से जितना भी जमीन आपकी होगी उसी के मेजरमेंट के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा ये भी ठीक था लोन वर गिवन बाय द स्टेट टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर ये नहीं था दोस्तों ये गलत हो जाएगा चलिए दो सौ सत्तानवे नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं अलाई दरवाजा अथवा कुश के शिकार का निर्माण किस शासक ने किया था विच रूरल बिल्ट अलाई दरवाजा और कुश के शिकार हिल्त तमीज बल अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद बिन तुगलक तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने करा था अलाई दरवाजा या कुश के शिकार किसने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी ये बताना है आपको द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज एट द टाइम ऑफ आजाद शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य अशोका या बिंदुसार तो जैन संगीति की बात कर रहा है ना कि बुद्ध संगीति की अजात शत्रु के शासन काल में होती पहली जैन काउंसिल ठीक है कब हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में बंदी जीवन किसकी कृति है हु रोड द बुक बंदी जीवन अरविंद घोष वारिंद्र कुमार बाल गंगाधर तिलक या सचिवनाथ सान्याल बंदी जीवन इंपॉर्टेंट है ये मतलब एग्जाम में पूछ चुका ये तो सचिन नाथ सान्याल की थी बंदी जीवन किताब ठीक है ये आपको याद रखनी है चलिए अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं किस सिख किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी विच सिख गुरु वॉज एसेसोनीटेड बाय मुगल रूलर गुरु अर्जुन गुरु अंगद गुरु गोविंद और गुरु हरकिशन देखिए गुरु अर्जुन सिंह को आपको अगर पता हो जहांगीर जो था इन्होंने हत्या करी थी जहांगीर द्वारा है ना किसने जहांगीर ने करी थी दोस्तों यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को तो समाप्त बस चार लेक्चर और आपको ये खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको अभी इसके एडवांस लेवल के भी 500 क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों अच्छे से बस करिए जितने क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करते जाइए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल